यूपी के बलिया में हुई पत्रकार रतन सिंह की हत्या और देश के अलग अलग राज्यों में पत्रकारों के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री के नाम फरीदाबाद के दर्जनों पत्रकारों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ज्ञापन में मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून और दिवंगत पत्रकार के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए। पत्रकारों ने बताया कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, बीते देर रात सोमवार को उत्तर प्रदेश के बलिया में बदमाशों ने एक टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही हत्याएं हम सभी के लिए चिंता का विषय है। सारे पत्रकारों ने यहाँ नवी सचिवालय में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है पत्रकारों की? पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, सत्य का संधान में जुटे हुए हैं पत्रकार, पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जगह जगह जाकर समाचार संकलन करते हैं और उन्हें परोसते हैं, सूचनाएँ लाते हैं, पूरे देश को बताते हैं और उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। जिन लोगों को ये खरीद नहीं सकते उन्हें खामोश कर देने की कोशिश है और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। तमाम मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि एक तो पत्रकार सुरक्षा कानून बने और ये जो दोनों पत्रकार विक्रम जोशी और रतन सिंह, हाल ही में बलिया में जिनकी हत्या हुई है, गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या हुई, इन दोनों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान। डीसी साहब के पास जो है मैं टाइम लेके आया था, जिस प्रकार से निरंतर पत्रकारों की जो हत्या हो रही है, अभी रिसेंटली जो है विक्रम जोशी की हत्या हुई थी, फिर उसके बाद से जो है रतन सिंह की हत्या हुई है, तो जो है ठीक नहीं है। इसलिए पत्रकारों का जो कानून सुरक्षा जो है वो जो है मिले, इसलिए उसके लिए हमने महामहिम जो है राष्ट्रपति महोदय को और जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों को जो है उसको जो है सुरक्षा मिले, क्योंकि निरंतर जो है आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो है ठीक नहीं है, सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। हम लोग कितनी कड़ी मेहनत करके जो है सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, खबर आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो है पता चलता है कि दिन में हत्या हो गई, रात में हत्या हो गई, झूठे मुकदमे दर्ज हो गए, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हम लोगों के ऊपर लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और महामहिम से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो है हम लोगों के भी पत्रकारों के हक में जो है सुरक्षा जो है कानून जो है वो मिले और जो है ये जो हत्याएँ हो रही है वो रुके, क्योंकि ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग दुखी मन से जो है इस बात को जो है आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो है कड़ी से कड़ी जो है हम लोगों की सुरक्षा मिले और हमारी बात सरकार।